यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हरेक के बस की बात नहीं। क्योंकि एक बार सीए बन गए, पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर, जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन? अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए बना है, अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए, अरे होंगे, तुम्हें क्या, तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। सर लाइट गई, हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या जरूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको एज अ बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। सीए तो बनना है, ये बात फिक्स है, ठीक है, कोई जल्दी कोई लेट वो बात नहीं है। देख एक बात समझ के रख, जल्दी बनने वाले ने भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया, ये बात समझ। पर तेरे अंदर दम है, तेरे को फेलियर पता है, और फेलियर के बाद तू उठ के फिर से मचाएगा, ये बात श्योर रख। बेटा आपको पागलों के जैसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती। ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी, तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है। पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है, ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था? तीसरा किसी को पता नहीं, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है। नो डाउट तुम बहुत थक चुके हो साला, पिछले 6 महीने से अपने आप की ऐसी तैसी करा चुके हो, बॉडी के आते पते नहीं, रिलेटिव के आते पते नहीं, हॉबी क्या होती है पता नहीं, और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो पिछले 6 महीने में, यह शायद उससे भी ज्यादा अगर नवंबर अटेंड दिया होगा तो। पर इन सारी चीजों का सोल्यूशन एक ही है बेटा, जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया ना उस दिन सब मेहनत 1 सेकंड में फ्रूटफुल लगती है, 1 सेकंड में। और इसके बीच में 10 तकलीफ आएगी, और बेटा तकलीफ ही नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी का घंटा बनाओगे क्या? बताओगे कल चल के अपने बच्चे को तेरे बाप कौन था? एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल मेहनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा कि एक टाइल पे बैठ के खाना खाया है, हर संडे गवाया है, रिलेटिव छोड़ा है, पागलों के जैसे रिवीजन बैच किए जहां मास्टर पागल और हम उससे डबल पागल। बताने के लिए ना कुछ इनसेनली पागल चीज होनी चाहिए बेटे, बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कईयों के पास है। बताने के लिए कांड तो होना चाहिए कि सारा जिस दिन पूरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जनवरी के, उस दिन भी शाम तक मैं बैठा था पागल जैसे। बिलीव नो डाउट इस कोर्स के अंदर ना मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा है, पर हाँ ये वर्थ बहुत है। एक बात समझना, अगर आप सोच रहे हो कभी भी कि नहीं बस ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है या मैं इसको छोड़ दूंगा, तो तुम्हारे ये सब बेवकूफ कोई नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि तुम उन व्यक्तियों में से हो जो सोच रहे हो बस एक दो बार गड्ढा खोद के तुमको हीरा मिल जाए या कोयला मिल जाए। गलत, थोड़ा ज्यादा खोदना पड़ता। अरे एक बात याद रख बेटा, बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम लगता है, छोटी बिल्डिंग कभी भी बनती। तुमने इसके पहले कई हर्डल्स पार किए पर तुमको पता नहीं चला कि तुमने वो हर्डल पार किए। पहली बार चलना भी लाइफ में बहुत मुश्किल था, तुम 10 बार गिरे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज गिर चुके हो। आज तुम उठ भी सकते हो, भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, सिर्फ एक चीज से बच के रहो, वो है रुकना। रुको मत किसी भी चीज में। जिस दिन सीए बन जाओगे पहली बार पप्पा के मुंह से सुनोगे ना और सीए साहब, नालायक के जगह और सीए साहब सुनोगे ना सर, उस दिन का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। एंड इट इज ओनली यू, बिलीव मी, इट इज ओनली यू जो तुम्हारे लाइफ का करियर चेंज कर सकता है, जो तुम्हारे पाथ चेंज कर सकता है। पर्पस होगा तो जीने का मतलब है, अगर गोल ही खत्म हो गए तो तुम्हारे जीने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है, मे बी अचीविंग अ डिग्री, मे बी कंप्लीटिंग दिस विद इन सम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मे बी अर्निंग सम मनी और व्हाटसोएवर। अपने अपने ड्रीम, अलग अलग ड्रीम, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना किसी ने नाम दे दिया था, तेरा नाम विजय। इसको सीए विजय बनाने के पीछे मेरी मेहनत है। सक्सेस ऑल्सो टेस्ट पेशेंस बॉस।
जहां तुमको लगे तुम मतलब अब तुम एक्सटिंग्विश होने वाले हो, मैं कहता हूं वहां अपने आप को फिर एक बार मोटिवेट करके वापस से अपने आप को पुशअप कर। दिन खत्म हो गया, फर्क नहीं पड़ता, रात आ गई, फर्क नहीं पड़ता, तेरा दिन या रात तेरे गोल से डिसाइड होनी चाहिए मेरे भाई। तू अगर सर इतने इधर कुछ बच्चे हैं जो जिनको पता है मेरा रूटीन क्या चल रहा है, उन बच्चों को मैं, वो बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर थोड़ा सा सो जाओ, यहाँ पे है कुछ बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर सो जाओ, हंसने का अपना काम करने का। ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुननी है, पर पॉइंट ये है कि मेरे को उससे ज़्यादा बड़ा मेरा गोल दिख रहा है और मेरा टाइम कम दिख रहा है मेरे को। वेदर यू वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड एट मारुति स्विफ्ट और ऑल्टो और यू हैव टू गो टिल BMW, ये आपको डिसाइड करना है। और इतना आसान भी नहीं है स्विफ्ट से BMW पे शिफ्ट होना, क्योंकि उसके लिए जो परसिस्टेंस, डेडिकेशन और एक हार्डवर्क लगता है वो है। और लोगों को सिर्फ आपका ना सक्सेस दिखेगा, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती बेटा। जिस दिन फेल का रिजल्ट आ गया ना, तेरे से पहले ना तेरे माँ बाप टूटेंगे, तेरे से पहले तेरे माँ बाप टूटेंगे, क्योंकि वो पिछले एक साल से तुम्हारे पे 100% ट्रस्ट करके, तुम पे 100% ट्रस्ट करके तुम्हें हर चीज की आजादी दे रहे, हर चीज की।